विराट कोहली मामले में बड़ा एक्शन, होटल के कमरे का वीडियो हुआ था वायरल, होटल ने दिखाई अब सतर्कता, मामले में जांच के भी दिए आदेश। विराट कोहली के होटल का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसमें विराट कोहली जिस होटल के कमरे में ठहरे हुए हैं उस कमरे का टूर कराया गया था, जिसके बाद खिलाड़ी ने इस पर नाराजगी जताई थी। खेल जगत ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए इसे निजता का खंडन बताया था। आपको बता दें कि अब इस मामले में उस होटल ने विराट कोहली से माफ़ी मांगी है और साथ ही अपने बयान को भी जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने पर्थ के ग्राउंड पर मुकाबला खेला। इसी दौरान टीम इंडिया पर्थ के एक होटल में ठहरी हुई है। इस होटल का नाम होटल क्राउन है। बता दें कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में एक फैन होटल में घुसा, विराट कोहली के कमरे में घुसा, घुसपैठ के बाद उसने विराट के कमरे का वीडियो बनाया और इसे लीक कर दिया, जिसके बाद विराट ने खुद इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और साथ ही कहा था कि अगर मैं अपने होटल के कमरे में भी सेफ नहीं हूँ, मेरी निजता सेफ नहीं है, तो मैं कहाँ सुरक्षित रहने का सवाल खड़ा कर सकता हूँ। बता दें कि अब इस मामले को लेकर होटल क्राउन ने बड़ा कदम उठाया है और साथ ही विराट कोहली से भी माफ़ी मांगी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि होटल मैनेजमेंट ने इस पर जांच के लिए कमेटी भी बनाई है और इस मामले में संबंधित लोगों को हटा भी दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विराट कोहली के मामले में एक्शन लेते हुए होटल क्राउन ने कॉन्ट्रैक्टर को हटाया है और साथ ही अपनी सफाई को भी जारी किया है। होटल क्राउन कंपनी के प्रवक्ता ने इस मामले में सफाई जारी करते हुए कहा कि हमें हाल ही में एक मामले की शिकायत मिली, जिस पर हमने कदम उठाते हुए कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया है। हमारे गेस्ट यानी कि हमारे मेहमान की निजता, उनकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मेहमान की सुरक्षा, उनकी निजता हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है और हम इसके लिए हर कदम उठा सकते हैं। हम इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी प्राइवेसी में घुसने का प्रयास किया गया। साथ ही होटल क्राउन के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हम मेहमान से माफ़ी मांगते हैं और साथ ही इस मामले में कड़े कदम उठाने के आदेश दे चुके हैं। इस मामले को लेकर कमेटी बनाई गई है और इस मामले को हमने संज्ञान में लेते हुए जरूरी कदम उठाए हैं। साथ ही इस मामले को लेकर तुरंत एक्शन लिया गया और मामले में संबंधित व्यक्तियों को तुरंत हटा दिया गया है। बता दें कि विराट कोहली ने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा था कि मैं समझ सकता हूं कि फैंस को अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने की खुशी होती है और वह उत्साहित रहते हैं, जिसको मैं पसंद भी करता हूं, लेकिन अगर कोई मेरी प्राइवेसी में घुस जाए तो ये गलत होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि होटल के रूम में अगर गोपनीयता नहीं है तो आखिरकार मैं कहाँ इसकी अपेक्षा कर सकता हूँ, यह पूरी तरीके से गलत है। बता दें कि विराट कोहली की पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी इस पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया था और होटल क्राउन ने अब इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।